के जवानों की तैनाती की जाएगी। केंद्र गृह मंत्रालय के एक बड़े फैसला लिया है ये, अभी तक उनकी जेड श्रेणी की सुरक्षा थी जिसमें एमपी पुलिस के जवान तैनात थे। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल में 52 विधानसभा के प्रभारी हैं, जहां के चुनाव काफी संवेदनशील माने जा रहे हैं। इसके पहले भी बंगाल दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर पत्थरों से हमला हुआ था। बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर भी बंगाल में हमले हो चुके हैं, जिसको देखते हुए नरोत्तम मिश्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती से उन्हें राज्य के बाहर भी सुरक्षा मिल सकेगी। और बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है, अभी तक उनकी जेड श्रेणी की सुरक्षा थी जिसमें एमपी पुलिस के जवान तैनात थे, और अब नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के 52 विधानसभा